नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस सेक्शन में हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की तरह ही होता है। ये भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बस अंतर यह है कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया भी ट्रू बैक्टीरिया ही होता है, क्योंकि ये भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसके कुछ करेक्टर्स बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजेनेटिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है, ठीक है। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस मेराइन और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ये पोल्यूटेड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, यानी वाटर ब्लूम काज करते हैं। इसके अलावा इनकी सबसे खास बात होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि अंदर एक इनके अंदर खास तरह का सेल्स पाया जाता है, स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती है, जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल नॉस्टॉक और एनाबेना है। देखिए, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनको साइनोफाइसी भी कहते हैं, मिक्सोफाइसी भी कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये ग्राम निगेटिव होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होते हैं। ये मेनली फ्रेश वाटर होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कभी कभी ये मेराइन वाटर भी होते हैं, जैसे ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि रेड सी कॉज करता है, ठीक है। रेड सी, इसकी वजह से समुद्र का पानी लाल हो जाता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में डिवाइड करते हैं और पानी में वाटर ब्लूम कास करते हैं, जैसे कि पूरा समुद्र का पानी ही लाल दिखने लगता है। देखिए, ये ट्राइकोडेस्मियम है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, रियल व्यू है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ट्राइकोडेस्मियम ऐसे ही कुछ दिखता है, और ये वाटर ब्लूम इस तरह से कास करता है, जैसे कि पूरा समुद्र का पानी लाल हो गया है। देखिए, कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी करते हैं, जैसे एनाबेना साइकेडी। एनाबेना साइकेडी जो होता है, साइकस के रूट में, साइकस का क्लोराइड रूट होता है, उसमें पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ एनाबेना एजोली जो होता है, वो एजोला में पाया जाता है। एजोला वाटर फर्न होता है, इसको वाटर फर्न कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, विच आर द फॉलोइंग इज द वाटर फर्न, ठीक है। तो ये एक तरह का टेरिडोफाइट्स है। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि प्रोटोजोन्स के साथ एसोसिएशन करते हैं। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनले कहते हैं, साइनले, CYANELLE। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, इसके पूरे लाइफ साइकिल में कभी भी फ्लेजला नहीं पाए जाते हैं, यानी कि मोटाइल स्ट्रक्चर इसमें टोटली एब्सेंट होता है। मतलब इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का जूस, पोर्स या गैमिट का फॉर्मेशंस नहीं होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा। ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस या कॉलोनियल हो सकते हैं। इनके ऊपर म्यूसिलेज कवरिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका नेचर जो होता है वो स्लीपरी हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत जहाँ पानी लगातार गिरता है वहाँ पे काई जमा हो जाती है, वो काई फिसलन पैदा करती है। वो फिसलन किसके वजह से होता है? म्यूसिलेज कवरिंग की वजह से होता है। देखिए, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसमें कि आपको ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहा है। ये डाइएटम है और ये डायनोफ्लेजलेट है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी आप देख रहे हैं स्क्रीन की तरह, इस तरह से, ये वास्तव में स्पायरोलिना है। स्पायरोलिना जो होता है, इस ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट में इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मतलब दुनिया में सबसे अधिक प्रोटीन का कंटेंट स्पायरोलिना में होता है, लगभग 70% तक प्रोटीन्स पाया जाता है। इसलिए प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी एक रियल इमेज है जिसमें आपको हेट्रोसिस्ट दिख रहा है और एक ट्राइकोम है, फिलामेंट्स। याद रखिएगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी का फिलामेंट्स होता है उसको ट्राइकोम कहते हैं, TRICHOME, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा ट्राइकोम्स है, ठीक। ये देखिए रियल इमेज आप इसमें, ये NCERT का है। इसमें आपको म्यूसिलेज सीट दिखाई दे रहा है, हेट्रोसिस्ट भी दिखाई दे रहा है। ये भी एक रियल इमेज है ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल पे।
सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसका सेल जो होता है ये प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। दूसरी खास बात ये होती है कि इसकी सेल्स में दो रीजन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए सेल है तो इसमें दो रीजन होते हैं, एक बाहर का रीजन जो होता है वो थोड़ा डेंस होता है, ठीक है, और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि बीच का रीजन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि आपको फिगर में एकदम क्लियर दिख रहा है। ये देखिए जो किनारे किनारे का रीजन है वो आपको सेमी ट्रांसपेरेंट है, जबकि बीच का जो रीजन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लीन है, ठीक है। तो बीच वाले रीजन को, जो ये बीच वाला रीजन आप देख रहे हैं, इसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, जबकि किनारे वाले रीजन को, जहाँ पे ग्रेन्यूल्स, पिगमेंट्स और भी चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सबसे बाहर म्यूसलस शीथ होता है, उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर क्रोमोप्लाज्म, फिर सेंट्रोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये सेल वॉल इसके अंदर ठीक वैसे ही होती है जैसा कि बैक्टीरिया में होता है, म्यूक्रोपेप्टाइड का बना होता है। देखिए क्रोमोप्लाज्म जो होता है सिंगल लेमिनेटेड थैलेकॉइड्स से भरा होता है, इसके अंदर सिंगल लेमिनेटेड थैलेकॉइड्स होते हैं। थैलेकॉइड्स आप जानते ही हैं, थैलेकॉइड्स जो होता है सिंगल लेमिनेटेड होता है, जबकि आप जैसे हायर प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थैलेकॉइड्स लाइक स्टेक ऑफ क्वाइंस की तरह अरेंज हो जाते हैं, जिसको ग्रेना कहा जाता है, ग्रेनम, ठीक है, ग्रेना प्लूरल है, ग्रेनम सिंगुलर है, जबकि यहाँ पे ग्रेनम नहीं पाए जाते, यहाँ पे थैलेकॉइड्स सिंगल लेमिनेटेड होते हैं, पूरे सेल्स में बिखरे हुए होते हैं, जैसे ऐसे 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 बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इसमें एक खास तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं लोमासोम्स। लोमासोम्स ठीक वैसे ही होता है जैसे कि बैक्टीरिया में मीजोसोम्स होता है, ठीक है। मीजोसोम्स वहाँ पर रिस्पिरेशन का काम करता था, और वो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बनता है। सेल मेम्ब्रेन की जब इनफोल्डिंग हो जाती थी, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड कर जाती थी सेल मेम्ब्रेन, तो वो मीजोसोम्स बनाता था, मीजोसोम्स। इसी तरह से यहाँ पे लैमेलोसोम्स बनता है, ये लैमेलोसोम्स है, ब्लू ग्रीन गैलरी में पाया जाता है, ये भी एक तरह से सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। तो यहाँ पे खास बात ये हो गई कि सेल्स में दो रीजन पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये प्रोकैरियोट्स होता है, सेल वॉल माइक्रोपेप्टाइड्स होती हैं, सबसे बाहर की तरफ म्यूसलस शीथ पाई जाती है, और सेल में दो रीजन पाए जाते हैं, बाहर वाले रीजन को क्रोमोप्लाज्म कहते हैं जिसमें कि पिगमेंट्स होते हैं, और बीच वाले रीजन को सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस तो ट्रू नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया की तरह न्यूक्लियस में होते हैं, जिसमें कि ये डीएनए क्रोमोसोम्स होता है जो कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें भी 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर टोटली एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें न तो माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, न तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए होता है, और इसके अलावा फाइकोबिलिन्स होता है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइकोबिलिन्स दो तरह का होता है, सी फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन। सी फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है, और सी फाइकोएरिथ्रिन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये हाई स्पेक्ट्रम्स में भी लाइट को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है। फाइकोबिलिन्स खास तरह की प्रोटीन्स होती है जो कि वाटर सॉल्युबल होती है, PCS में एक बार पूछा जा चुका है। ये फाइकोबिलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब आ जाइए हेट्रोसिस्ट पे। देखिए हेट्रोसिस्ट जो होता है थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है, ये आप जो देख रहे हैं, और ऐसा इसलिए थिक वॉल होता है क्योंकि अंदर इसके एंजाइम्स पाई जाती है नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स तभी काम करती है जब इन्वायरमेंट एनरोबिक हो। तो ये जो मोटा इसके ऊपर वाल पाया जाता है, थिक वाल जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो एनरोबिक इन्वायरमेंट बनाता है, इस सेल के अंदर वो इन्वायरमेंट को एनरोबिक बना देता है, ताकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स जो होती है वह नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। अगर ऑक्सीजन यहाँ अंदर तक पहुँच गई तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स ऑक्सीडाइज हो जाएगी और वो काम करना बंद कर देगी। इसलिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम तभी काम करती है जब इन्वायरमेंट एनारोबिक हो, और ये हेट्रोसिस्ट का तो थिक वाल होता है, ये इन्वायरमेंट को एनारोबिक कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो हेट्रोसिस्ट होता है इसमें फोटोसिस्टम सेकेंड की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, और साथ ही साथ कार्बन फिक्सेशन इसमें नहीं होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन इसमें नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन केवल कहाँ होता है? वेजिटेटिव सेल्स में, जितने भी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ये सब वेजिटेटिव सेल्स हैं और ये हेटरोसिस्ट सेल्स है। तो वेजिटेटिव सेल्स में ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है पूरी तरह से और कार्बोहाइड्रेट बनता है, जबकि हेटरोसिस्ट के सेल में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है, यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे फोटोसिस्टम वन की एक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन वो फोटोसिस्टम वन की एक्टिविटी क्या करती है? वो सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, PS1 PS2 फोटोसिंथेसिस में हम आगे बताएंगे आपको फिजियोलॉजी वाले सेक्शन में। तो फोटोसिस्टम वन की एक्टिविटी से ATP जनरेट होती है और उस ATP का प्रयोग नाइट्रोजन के फिक्सेशन में किया जाता है। देखिए, इसके अलावा हेटरोसिस्ट का एक काम और होता है, ये फ्रेगमेंटेशन को प्रमोट करता है, यानी कि जो फिलामेंट्स होती हैं उसको जगह जगह से तोड़ने में हेल्प करता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे हेटरोसिस्ट होगा वहाँ वहाँ से फिलामेंट्स टूट जाएगी और हर फिलामेंट एक नए फिलामेंट्स को बनाएगी, जो कि रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। बात समझ में आई ना? मतलब जहाँ जहाँ से हेटरोसिस्ट रहता है वहाँ वहाँ से फिलामेंट टूट जाएगी और हर फिलामेंट एक नए पूरे ट्राइकोम्स को या फिलामेंट्स को जम देगी। देखिए, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है, जो एक खास तरह का प्रोटीन होता है। इसके अलावा बीटा ग्रेन्यूल्स होता है जो कि फैट ड्रॉपलेट्स होता है। मिक्सोफाइसिन स्टार्च होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सोफाइसिन स्टार्च या अल्फा ग्रेन्यूल्स, देख लीजिए अल्फा ग्रेन्यूल्स। देखिए, इसमें एक खास तरह की फिनामेंस होती है जिसको गैडिकू फिनामेंस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अलग अलग स्पेक्ट्रम में ब्लू ग्रीन एल्गी अपने कलर को भी चेंज करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए, बीजे चेंज कलर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसको हम गैडिकू फिनामेंस भी कहते हैं। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी का बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये वाटर ब्लूम काज करता है। वाटर ब्लूम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जिससे इनकी मात्रा पानी वाटर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बन जाती है। देखिए, होता क्या है वास्तव में, वाटर ब्लूम को आप ऐसे समझिए कि जिस वाटर बॉडी में आर्गेनिक पदार्थों की अधिकता होती है, यानी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और दूसरे ऐसे आर्गेनिक सब्सटेंस जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है और अपनी संख्या को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा लेती है, और इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ा लेती है कि पानी का जो BOD होता है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के डिफिशियंसी में वो मरने लगते हैं। ठीक है, और जब मरने लगेंगे तो वहाँ पे सड़न पैदा होगी और एनोरबिक रिएक्शन ही हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बहुत अधिक ग्रोथ होने की वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी का, इसी फिनोमेनन को हम वाटर ब्लूम कहते हैं। इसको हिंदी में, आम भाषा में, पानी का बजबजाना कहते हैं, पानी महकने लगता है, बदबू देने लगता है। ठीक है, तो आशा है कि वाटर ब्लूम आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी तक जितने भी मोनरा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, थर्मोकॉकस मेथनोकॉकस एंड मेथनोबैक्टीरियम इज एग्जाम्प्लीफाई ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये पहली बात तो बैक्टीरिया समान बैक्टीरिया है नहीं, ये आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये यानी सेक्शन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को हम देखेंगे। आर्की बैक्टीरिया, देखिए, थर्मोकॉकस मेथनोकॉकस मेथनोबैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल है। आर्की बैक्टीरिया डेट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकेरियोटिक कोर हिस्टोन्स, नहीं, गलत है। आर्की बैक्टीरिया डेट लैक एनी हिस्टोन रिजेंबल्स दोज फाउंड इन द यूकेरियोट्स बट हूज DNA इज निगेटिवली सुपरपाइल्ड, यही सही है। ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन। इसमें सबसे पहली बात तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसके अलावा इसका DNA जो होता है ये निगेटिवली सुपरकॉइल्ड होता है, यानी कि
ऑप्शन सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज, माइकोप्लाज्मा की सबसे बाहर लेयर कौन सी होती है? सेल वाल तो इसमें होती नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होती है, स्लाइम लेयर इसमें होती नहीं है, मिसलियस शीथ होती नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सेल वाल भी नहीं होती है माइकोप्लाज्मा में, सेल वाल नहीं होती है, मैंने बताया था ट्रिपल लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। बाई ऑल द फॉलोइंग वेज बैक्टीरियम बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एक्सेप्ट, मतलब सबके द्वारा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है, लेकिन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं होता है? पहला, मेकिंग द एंजाइम दैट इनएक्टिवेट द ड्रग्स बिकम इम्परमेबल टू ड्रग्स, मॉडिफाई द टारगेट ऑफ ड्रग्स मूविंग अवे फ्रॉम द ड्रग्स, बताइए क्या सही होगा? सी, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, इन प्रोक्रियास क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? प्रोक्रियास में क्रोमेटोफोर्स जी हाँ, ये इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट कंसर्न विद द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन होता है। मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ग्रिफिथ, मैंने ग्रिफिथ के बारे में बताया था, सबसे पहले उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन को जिंडर और लिडरबर्ग उन्हें बताया था। तो इसमें और कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीन प्रोसेस होते हैं जिससे द्वारा बैक्टीरिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। सिर्फ ट्रांसलेशन जो होता है ये डिफरेंट प्रोसेस है। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यानी कि ये अलग चीज़ है, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसका संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना? ट्रांसफॉर्मेशन से भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसको ग्रिफिथ ने दिया था। ठीक है, ट्रांसडक्शन से भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, लिंडबर्ग ने दिया था, और कॉन्जुगेशन से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल ए पॉलीमर इज कॉल्ड, बताइए। जी हाँ, सबका सही है, पेप्टिडोग्लाइकॉन्स। ठीक है, नाम और नाग होता है। ठीक है, यन स्टील म्यूरेबिक एसिड, यन स्टील ग्लूकोसमीन। ठीक है, काइटिन जो होता है ये फंजाइन पाया जाता है, सेलुलोज जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, साइनोबैक्टीरिया इज न्यू नेम मेग्जोफाइसी। ठीक है,